गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था प्राइमरी मेमोरी और उसमें मैंने आपको रैम और रोम है वो समझा दिया था। चार्ट में मैंने एक जगह लिखा था कि सीपीयू सपोर्टेड दो तरह की मेमोरी होती है। पहली मेमोरी है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के लिए ये कहा जाता है कि ये सबसे फास्ट मेमोरी है और इसको लगाने से कंप्यूटर की स्पीड है वो इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ती है। अब कैश मेमोरी क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, तो एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। अपन ने जब ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था तो मैंने बताया था कि सारे डेटा, सूचना, निर्देश सबसे पहले कहाँ पे हैं, प्राइमरी मेमोरी में। और प्रोसेसिंग के पास, इसके पास जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है सीपीयू की स्पीड है वो बढ़ रही है, लेकिन मेमोरी की स्पीड है रैम की या प्राइमरी मेमोरी की ये वही है। तो सीपीयू की स्पीड बढ़ने से भी कोई ज़्यादा स्पीड का अंतर आया नहीं। उसकी वजह क्या है कि सीपीयू प्रोसेसिंग करने से पहले डेटा कहाँ से लेगा, प्राइमरी मेमोरी से। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है सीपीयू की, ये फास्ट गति से डेटा लेना चाहता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम है, रैम की स्पीड कम है, तो रैम तो जो अपनी स्पीड है उस स्पीड से ही डेटा देगी और जब तक कंप्लीट डेटा नहीं आएंगे तब तक सीपीयू प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करेगा। तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा कि कब सारे डेटा रैम से या प्राइमरी मेमोरी से आ जाए और कब प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी वापस कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी के पास। अब सीपीयू जिस स्पीड से दे रहा है प्राइमरी मेमोरी उस स्पीड से ले नहीं पाएगी क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड है वो कम है। तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है कि कब पूरे रिजल्ट चले जाएं और कब प्रोसेसिंग, नेक्स्ट प्रोसेसिंग है उसको स्टार्ट किया जाए। कहने का अर्थ ये है कि प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के रूप में अपन केवल रैम का उपयोग करते हैं, जो रैम है उसकी स्पीड कम है और सीपीयू की स्पीड ज़्यादा है, तो सीपीयू को डेटा लेते वक्त और वापस रिजल्ट देते वक्त दोनों ही केस में वेट करना पड़ता है। वेट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सीपीयू की तो स्पीड ज़्यादा है और रैम की स्पीड है वो कम है, तो डेटा जब रैम देगी तो अपनी स्पीड से देगी तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा और सीपीयू वापस रिजल्ट रैम में स्टोर करेगा तो रैम स्टोर भी अपनी स्पीड से करेगा, चाहे सीपीयू की स्पीड ज़्यादा हो तो भी सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। सीपीयू को वेट न करना पड़े इसके लिए एक हाई स्पीड मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई और उसे कहा गया कैश मेमोरी। अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें क्या सिस्टम होता है कि ये जो कैश मेमोरी है ये रैम और सीपीयू के मध्य स्थित रहती है। अब सीपीयू को केवल वन टाइम वेट करना है। कैसे, जैसे ही सीपीयू प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा ये चेक करेगा कि कैश में डेटा है या नहीं है। अगर डेटा नहीं होंगे तो प्राइमरी मेमोरी को मैसेज करेगा, प्राइमरी से डेटा कहाँ है, कैश में। बस केवल फर्स्ट टाइम वेट करना पड़ता है। इसके बाद कैश मेमोरी की स्पीड लगभग सीपीयू के इक्वल होती है क्योंकि ये फास्ट मेमोरी है। सीपीयू क्या करेगा, कैश से डेटा ले लेगा और प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, लेकिन प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट डेटा के लिए प्राइमरी मेमोरी को मैसेज कर देगा। तो जब तक यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी तब तक प्राइमरी मेमोरी के डेटा कहाँ जाएंगे,
गति की मेमोरी है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य लगी रहती है, और कैश मेमोरी लगाने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है वो आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कि भी प्राइमरी की स्पीड कम है और सीपीयू की ज्यादा है, और कैश मेमोरी की स्पीड लगभग सीपीयू के इक्वल है। तो अब डायरेक्ट डेटा प्राइमरी मेमोरी से नहीं लेके कैश से लिए जाते हैं, और रिजल्ट भी वापस किसको दिया जाता है, कैश को दिया जाता है। तो इस कारण सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैश मेमोरी या कैश मेमोरी को समझाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और सबसे पहले कैश मेमोरी के बारे में दो तीन लाइनें लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे कि कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है, एक उच्च गति की मेमोरी है, जिसको लगाने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है या कार्य करने की गति बढ़ जाती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये तो अपन कैश के लिए लिखते हैं। एक लाइन और लिख सकते हो कि कैश मेमोरी की स्पीड रैम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है या लगभग सीपीयू की स्पीड के बराबर होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना है कि कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के मध्य स्थित होती है, ठीक है, और बफर का कार्य करती है। एक टेक्निकल वर्ड है बफर। बफर का मतलब होता है वाया किसी के द्वारा। जैसे प्राइमरी मेमोरी के डेटा को कैश मेमोरी सीपीयू के पास भेजती है, और सीपीयू के डेटा को कैश मेमोरी प्राइमरी के पास भेजती है। न तो यहाँ डेटा स्टोर होते हैं, न यहाँ कोई प्रोसेसिंग होती है, केवल वाया कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के डेटा सीपीयू को मिलते हैं और सीपीयू के डेटा प्राइमरी मेमोरी। तो इस तरह का कार्य अगर कोई चीज़ करती है तो उसका टेक्निकल नाम होता है बफर, कि वो बफर का कार्य कर रही है। इधर की चीज़ इधर भेजना और इधर की चीज़ इधर भेजना, ये क्या कहलाता है, बफर। अब कई दफ़ा आपने मोबाइल में देखा होगा कि कोई चीज़ आप इंटरनेट से ले रहे हैं तो एक राउंड सा चलता है और नीचे लिखा हुआ आता है बफरिंग। बफरिंग का मतलब कि जो डेटा आ रहे हैं वो अभी कंप्लीट नहीं आए हैं, जैसे ही कंप्लीट आ जाएंगे वो सीपीयू के पास भेज दिए जाएंगे और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बफर का कार्य करती है। कैश मेमोरी के लिए एक लाइन और क्या लिखेंगे कि ये प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करती है। अगर दो नंबर में ये क्वेश्चन आए तो आपको केवल ये डायग्राम बनाना है और कैश मेमोरी के लिए क्या लिखना है कि कैश मेमोरी एक हाई स्पीड या उच्च गति की मेमोरी है, जिसको लगाने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड या कार्य करने की गति बढ़ जाती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कैश मेमोरी की स्पीड लगभग सीपीयू के बराबर होती है, और कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करती है, ठीक है। अगर दो नंबर में आए तो इतना लिखना है। बाय द वे ये क्वेश्चन आ गया आपके चार पांच नंबर का, तो फिर इस डायग्राम को समझाना है। डायग्राम बना के आपको लिखना है कि सीपीयू प्रोसेसिंग से पहले डेटा लेता है प्राइमरी मेमोरी या रैम से, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट है वो भी देता है किसको, रैम को। लेकिन रैम की स्पीड कम होती है और सीपीयू की स्पीड ज़्यादा होती है, तो सीपीयू को डेटा लेते वक्त और वापस रिजल्ट देते वक्त दोनों ही केस में वेट करना पड़ता है, क्योंकि रैम की स्पीड कम होती है। इसलिए जिस स्पीड से सीपीयू रैम को डेटा देता है उस स्पीड से रैम डेटा स्टोर नहीं कर पाता, और जब तक सारे डेटा स्टोर नहीं हो जाते हैं
तब तक सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेसिंग या नेक्स्ट गणना स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए सीपीयू को वेट करना पड़ता है। सीपीयू को वेट न करना पड़े इसके लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो रैम और सीपीयू के मध्य बफर का कार्य करती है, और कैश मेमोरी लगाने से सीपीयू को आप वेट या इंतजार नहीं करना पड़ता, और इस कारण कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़ जाती है। बस हाईएस्ट ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है। कैश मेमोरी खूब डिटेल में मैंने आपको बता दी, आपको समझ में आ गई। तो कैश मेमोरी मेनली कर क्या रही है, सीपीयू को सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये है तो प्राइमरी मेमोरी, इसका व्यवहार भी वही है। कौन सा? वॉलेटाइल। इसमें डेटा तभी तक स्टोर रहेंगे जब तक कंप्यूटर का स्विच ऑन है, जैसे ही ऑफ करते हैं कैश मेमोरी के डेटा भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जो भी प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपने लिखा है वो सब कैश मेमोरी के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि कैश मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, रैम की तरह ही मेमोरी है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है। और अब जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं या आपके मोबाइल आ रहे हैं उसमें अगर आप डिटेल देखोगे तो उसमें लिखा हुआ आता है कि कैश कितनी है। कुछ कंप्यूटर में तो कुछ सीपीयू ऐसे आ रहे हैं जिसमें इंटरनल कैश होती है, सीपीयू के अंदर ही कैश मेमोरी होती है, और कुछ कंप्यूटर में बाहर से अपने को कैश मेमोरी लगानी होती है। तो कैश मेमोरी के स्लॉट होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, उसमें अपन कैश मेमोरी को लगा सकते हैं, और कैश मेमोरी चेक करके ही कंप्यूटर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट से काम करते हैं और इंटरनेट से काम करने की वजह से थोड़ी स्पीड ज़्यादा चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कंप्यूटर खरीदो तो उसमें कैश मेमोरी अवश्य लेना, क्योंकि कैश मेमोरी लेने से कंप्यूटर की स्पीड है और परफॉर्मेंस है वो दोनों ही बढ़ती है। इसके अलावा कैश के ये सारी मेमोरी के आपको नोट्स देंगे, एक दफ़े ये ऑनलाइन क्लास में समझाया जा रहा है, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो पहली जो सीपीयू सपोर्टेड मेमोरी थी वो तो थी कैश, और दूसरी सीपीयू सपोर्टेड मेमोरी है वो है रजिस्टर। रजिस्टर देखो, रजिस्टर जो है वो उच्च गति के हाई स्पीड के छोटे छोटे स्टोरेज सर्किट होते हैं, छोटे छोटे परिपथ होते हैं या छोटे छोटे स्टोरेज सर्किट होते हैं जो सीपीयू के अंदर ही बने रहते हैं, सीपीयू के अंदर ही बने रहते हैं, और सीपीयू उनका यूज प्रोसेसिंग में करता है। क्या यूज होता है, जैसे कोई प्रोसेसिंग चल रही है A+B और उसका रिजल्ट आया C, ये रिजल्ट इसी प्रोसेसिंग में आगे जाके कहीं F से मल्टीप्लाई होना है, मतलब प्रोसेसिंग या गणना के दौरान कोई ऐसा रिजल्ट आया है जिसकी आगे वापस प्रोसेसिंग में आवश्यकता हो। तो इस प्रकार के रिजल्ट को न तो कैश मेमोरी के पास भेजा जाता है न प्राइमरी मेमोरी के पास। सीपीयू के अंदर छोटे छोटे स्टोरेज सर्किट होते हैं जिनको रजिस्टर कहते हैं, उनको रजिस्टर में कुछ समय के लिए स्टोर कर लिया जाता है, और जब आवश्यकता होती है तो वापस इसी से ले लेते हैं। अब किसी सीपीयू में कितने रजिस्टर होंगे इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन हमेशा ये 2 से ज़्यादा होते हैं। सीपीयू में कितने रजिस्टर बने होंगे इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, ये हमेशा 2 से ज़्यादा होते हैं। इनकी संख्या निर्भर करती है सीपीयू के इंटरनल स्ट्रक्चर पर, सीपीयू की जो आंतरिक बनावट है उन उस पर इनकी संख्या
निर्भर करती है। कुछ कंपनियां दो भी देती है, कोई पांच भी देती है, कोई चार भी देती है, कोई तीन भी देती है, कोई इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। अलग अलग सीपीयू में रजिस्टरों की संख्या अलग अलग होती है। इसलिए अपन शब्दों में क्या लिखेंगे कि सीपीयू में कितने रजिस्टर होंगे इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, इनकी संख्या निर्भर करती है किस पर, सीपीयू की आंतरिक बनावट पर, सीपीयू के इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रजिस्टर कितने होंगे। पहली चीज क्लियर है। दूसरा, ये जो रजिस्टर होते हैं इनको नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसा ये काम करते हैं उसी के अनुसार इनको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रजिस्टर इस प्रकार के रिजल्ट का, जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि ए प्लस बी जोड़ा और रिजल्ट आया सी, ये रिजल्ट आके कहीं जाके फिर इस प्रोसेसिंग में एफ से गुणा होना है, तो इस प्रकार के रिजल्ट को जो रजिस्टर स्टोर करता है उसको बोलते हैं स्टोरेज रजिस्टर। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि रजिस्टर का जो नामांकन होता है, रजिस्टर को जो नेम दिया जाता है वो कार्य के अनुसार दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू वर्क दिया जाता है। तो जो रजिस्टर रिजल्ट स्टोर करने का काम करते हैं वो क्या कहलाएंगे, स्टोरेज रजिस्टर। जो रजिस्टर एड्रेस स्टोर करने का काम करते हैं, कोई रजिस्टर है जो एड्रेस रखता है उसको बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर, और जो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रखता है, निर्देश रखता है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर का नामांकन होता है ये इनके कार्यों के आधार पर होता है, जो जैसा काम करता है वही उसका नाम है। कोई स्टोर करने के काम आ रहा है तो स्टोरेज रजिस्टर, कोई एड्रेस रख रहा है तो एड्रेस रजिस्टर, कोई इंस्ट्रक्शन रख रहा है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रजिस्टर, तो आपको क्या लिखना है कि रजिस्टर छोटे छोटे स्टोरेज सर्किट होते हैं जो सीपीयू के अंदर ही बने रहते हैं, और सीपीयू इनको प्रोसेसिंग के दौरान इनका उपयोग करता है। किसी सीपीयू में कितने रजिस्टर होंगे इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, अलग अलग सीपीयू में रजिस्टरों की संख्या अलग अलग होती है। रजिस्टरों की संख्या सीपीयू की आंतरिक बनावट या इंटरनल स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। फिर आप लिखोगे कि रजिस्टरों को जो नाम दिया जाता है वो उनके कार्यों के आधार पर या अकॉर्डिंग टू वर्क दिया जाता है। जो रजिस्टर स्टोर करने का कार्य करता है उसको स्टोरेज रजिस्टर कहते हैं, जो रजिस्टर एड्रेस रखता है उसको एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, और जो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रखता है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। अब अगर आप और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बनाए जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम है जो एट ए टाइम 1 बिट डेटा स्टोर रखता है, 1 बिट डेटा, बिट बाइट, इनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। तो रजिस्टर कंप्लीट होने के साथ ही अपनी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट है। प्राइमरी मेमोरी में आपके सिलेबस में रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है और रजिस्टर है। ये चारों ही मैंने आपको खूब डिटेल में बता दिया। इसके बाद आप जब नोट्स लोगे तो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो जैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो एक दफ़ा वापस रिवाइज करके आपको बता दिया जाए। अब प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट है, अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन
सेकेंडरी मेमोरी पढ़ने से पहले आज अपन कर रहे हैं कि मेमोरी के मात्रक, जैसे तोलने के मात्रक क्या है, ग्राम है, किलोग्राम है, क्विंटल है, वैसे ही जब मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं तो उसके भी अलग अलग मात्रक होते हैं, अलग अलग यूनिट होती है। तो ये यूनिट या मात्रक क्या है अब अपन इसको पढ़ते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट वो होती है बिट। देखो ये तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होते हैं वो होते हैं 0 और 1 में। कंप्यूटर में जितने भी डेटा स्टोर होते हैं किस रूप में होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है, और 0-1 को ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदलते हैं। तो एक दफ़ा तो पल्स आएगी तो 1 है, एक दफ़ा पल्स नहीं आएगी तो 0 है। तो 0 और 1 मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है और इसको कहते हैं बिट, BIP, बिट। तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट, और बिट का मतलब क्या है, 0 और 1। और जब 8 बिट मिलते हैं, ये 0 1 के 8 ग्रुप बनेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाइट मिलके क्या बनाते हैं, 1 बाइट। आठ बिट मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाइट। अब देखो कि अपना वेट के अंदर तो मात्र चलता है 10 की पावर से, लेकिन यहाँ केवल 2 ही संख्याएं हैं, 0 और 1। तो यहाँ मात्र चलता है 2 की पावर 10 से, और 2 की पावर 10 को जब अपन सॉल्व करते हैं तो आता है 1024। ठीक है, तो जब 2 की पावर 10 या 1024 बाइट मिलते हैं तो बनता है 1 किलोबाइट। 2 की पावर 10 या 1024 बाइट मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 किलोबाइट। और जब 1024 किलोबाइट मिलते हैं, 2 की पावर 10 या 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 मेगाबाइट। और जब 2 की पावर 10 या 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 गीगाबाइट, जिसको शॉर्ट में GB कहते हैं, 1 गीगाबाइट। और जब 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 टेराबाइट, जिसको TB कहते हैं। अभी मार्केट में जो मेमोरी आई है वो टेराबाइट तक ही आई है। तो ये सारे क्या है, मेमोरी के मात्रक हैं। सबसे छोटी यूनिट 0 और 1 क्या कहलाएगी, बिट, और जब 8 बिट मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाइट। और जब 2 की पावर 10 लिख लो या 1024, दोनों सेम चीज है, 2 की पावर 10 को अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1024। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो बनता है 1 किलोबाइट, और जब 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 मेगाबाइट, और जब 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 गीगाबाइट, और जब 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 टेराबाइट। इसके बाद और भी है, जब 1024 टेराबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 पेराबाइट, ठीक है, PB कहलाएगा। लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे या आपसे पूछेंगे या मार्केट में भी आप जाओगे तो अभी मेमोरी टेराबाइट तक ही आई है, इससे ऊपर की मेमोरी आई नहीं है। तो टेराबाइट तक के मात्रक मैंने आपको लिखा दिए, तो इनको ढंग से देख लेना,
जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनमें ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, तो उनमें इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। आज प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट है, कल से अपन सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करेंगे। तो जितनी भी मैंने प्राइमरी मेमोरी आपको पढ़ाई है और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताए हैं, उनको एक दफ़े आज आप रिवाइज कर लें। कल से अपन सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।